सर विटामिन सी खाओ, विटामिन सी, जिस जिस चीज़ में विटामिन सी है खाते जाओ, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। बाजार में मौसम्बी लीबू का क्या दाम हो गया जानते हो, विटामिन सी के चक्कर में। ओके ठीक है सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फिर से एक बार सबको। चलो सर हम लोग स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शंस पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी लास्ट क्लास में प्रोडक्शंस का बेसिक एरिया कवर हो चुका था, आज थोड़ा डिटेल्स में कंप्लीशन स्टेज में ही आना है। चलो सर स्क्रीन शेयर करते हैं सर। हाँ इंडिया का इकोनॉमी में प्रोडक्शंस का देखना है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर निकाला, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था इंडिया का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सेक्टर वाइज कैसा है। जीडीपी एग्रीकल्चर से इंडिया का 16% जीडीपी आता है सर, इंडस्ट्री से 25% दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ सर मैं यहाँ पर राउंड नहीं कर सकता बिकॉज इस पे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर से 16% जीडीपी आता है, इंडस्ट्री से 25% जीडीपी आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 14% जीडीपी आता है और सर्विस सेक्टर से 49.9% जीडीपी आता है। जीडीपी बाय कंपोनेंट अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड कंजम्पशन 59.1%, मतलब हाउस होल्ड के खर्चे के कारण इंडिया का जीडीपी मैक्सिमम चलता है। गवर्नमेंट के हिसाब से 11.5% चलता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल में 28.5%, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक वगैरह भी सरकार जो खर्चा करते हैं उसमें 3.9%, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 19% एंड इम्पोर्ट होता है 22%। ठीक है जो नेगेटिव में शो हो रहा है मतलब ये बाहर से लाना पड़ता है इसलिए इसका जीडीपी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बाकी सभी चीज़ प्लस होगा बिकॉज जो बाहर से लाता है उनके लिए पेमेंट देश को नहीं मिलता, फॉरेंस को मिलता है, तो 22% उधर चला गया। सर दिखाई दिया सर ये जीडीपी बाय सेक्टर्स एंड जीडीपी बाय कंपोनेंट। हाँ सर ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है बट हम लोग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, बट मैंने इसलिए आपको दिखाया बिकॉज आपको प्रोडक्शन के साथ एक बार कनेक्ट करना था कि देश का प्रोडक्शन का जो मेन एरिया है उसका माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ही आप लोगों के साथ बात करना है। क्या दिखाई दिया आप लोगों को, बोलना ना प्लीज। हेलो ओके सर ठीक है। चलो प्रोडक्शन का जो माइक्रो इकोनॉमिक एरिया है उसको डील कर लेते हैं, वो तो मैक्रो था, उससे हम लोग क्या चल रहा है किस हालत में है इसका एक आइडिया या अंदाजा लगाते हैं। ठीक है ये सब बेसिक एरिया कवर कर लिए थे। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शंस से ही बात करना जरूरी था। ठीक है तो ये प्रोडक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग अगर सिंपल बोले तो प्रोडक्शन बेसिकली दो तरह का हो सकता है ना सर, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो आज बात करेंगे सर इसी डिटेल्स में बात करेंगे, ध्यान से सुनना फटाफट हो जाएगा। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन। जिस तरह से घर में भी होता है सर, हमारे जो घर चलता है ना मतलब जैसे कि माँ पापा बहुत मेहनत करके घर को चलाते हैं, है ना, हर एक का घर, नॉट ओनली आपका घर, मेरा घर, दूसरे किसी और का घर, थर्ड पर्सन का घर, फोर्थ पर्सन का घर, सभी का घर बहुत मेहनत से चलता है, यस ना। तो इतना मेहनत से जब घर को चलाया जाता है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट ही काम आता है सर, चाहे घर का बात हो या फैक्ट्री का, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक बहुत अच्छा नाम है सर, इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। याद रखिएगा मैं अभी इसके बारे में 2 मिनट बाद ही चर्चा करूंगा। शॉर्ट रन में क्या होता है ना, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहता है और बाकी वेरिएबल कर सकते हो आप, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रखना है बाकी वेरिएबल कर सकते हो। दिस इज डन व्हेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डिराइव्ड। ये कब होता है, जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है। मैं आपको बताऊंगा सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और एक होता है सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज लाइक इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारा का सारा फैक्टर सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। एक सेकेंड सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, मतलब जितना फैक्टर्स होता है ना वेरिएबल वो सारा का सारा सेम प्रोपोर्शन में होगा। इट इज मैटर ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक रिटर्न टू स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों कॉन्सेप्ट, एक लॉन्ग रन वाला और एक शॉर्ट रन वाला। ऐसे तो अगर आपको मैं 2 मिनट फिर से एक बार याद दिलाऊं सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मुझे बता सकते हो क्या, कि जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है सर? लैंड लेबर वेरी गुड सर, लैंड लेबर, देवा लैंड लेबर, बोलो हाँ
और दो, एंटरप्रेन्योर, हाँ, लैंड, लेबर, लेबर, एंटरप्रेनिया, कैपिटल, कैपिटल सर। वेरी गुड सर, लैंड, लेबर, एंटरप्रेनिया एंड कैपिटल, वेरी गुड सर। तो ये बेसिकली चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। दुनिया में कोई भी बिजनेस बना लो सर, कोई भी बिजनेस, विदाउट लैंड, विदाउट लेबर, विदाउट एंटरप्रेन्योर, विदाउट कैपिटल, आप बना ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन जो फार्मर्स होते हैं सर, जो खेती करता है, वो भी वही है ना सर, वो भी एंटरप्रेन्योर है। वो अलग बात कि हम उनको एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं दे पाते, बिकॉज उनको इनके अंदर, स्पेशली इन इंडिया, इंडिया में मुश्किल है कि वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके अंदर बिजनेस को बढ़ाने का नॉलेज प्रॉपर दिखा नहीं जाता, वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं और गवर्नमेंट के जाके बेच देते हैं, या फिर जो भी हो आसपास के सब्जी मंडी में जाके बेच देता है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं आता, बट फिर भी ही इज़ ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, इन चारों चीज़ों के बिना ना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो ये जो चार फैक्टर्स हैं, शॉर्ट रन में क्या बोल रहा है, लैंड, वन फैक्टर रिमेन फिक्स, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा, बाकी को आप वेरिएबल कर लेना, ठीक है। और लॉन्ग रन में सारा का सारा फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब फैक्टर सर प्रोपोर्शनेटली वैरी करेगा, मतलब समय के साथ साथ सारा का सारा फैक्टर चेंज होगा, ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बात करेंगे इसका। पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे होगा, प्रोडक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। प्रोडक्शंस के लिए एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप ऐसे ही नहीं कर सकते ना, आपको एक टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे एग्रीकल्चर करना हो या कंप्यूटर बिल्ड करना हो, एग्रीकल्चर करना हो या कंप्यूटर बिल्ड करना हो, यू नीड नॉलेज, ये सुनो सर। क्या चावल उगाना इतना ही आसान लगता है क्या? हाँ, आई एम आस्किंग सीरियसली। आजकल हम लोग कंप्यूटर बिल्डिंग का बात करते हैं, वेबसाइट बिल्ड का बात करते हैं, ऐप का बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बात करते हैं, हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग, क्या चावल उगाना इतना आसान है? राइस प्रोडक्शन, हाँ सर, ये सर नो, हाँ हाँ बोला कि ना बोला? ना बोला सर, नहीं, कठिन नहीं सर, टफ है, वेरी गुड सर, ना सीरियसली टफ होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारा टेक्निक्स है। हम आप जैसे लोग तो, अगर किसी का एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, स्पेशली जैसे मेरा एकदम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो कुछ नहीं समझ पाता, सीरियसली। बहुत बचपन में जब रामकृष्ण मिशन में, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेटिव वगैरह में होता है बहुत सारा लोगों का, लेकिन हम लोग के मतलब एकदम, उसको हिंदी में अगर बोले तो मैं नील बट्टा सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं पता, एकदम जीरो नॉलेज। अगर किसान का खेती करना बंद हो जाए तो हम लोग जैसे लोग तो एकदम रस्ते में आ जाएंगे। तो जो भी हो, टेक्निकल नॉलेज डजंट मीन्स जस्ट ऐप बिल्डिंग नॉलेज और कोड बिल्डिंग नॉलेज, हाँ, टेक्निकल नॉलेज मीन्स हर तरह का टेक्निकलिटी, हर चीज़ का एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कंप्यूटर बिल्डअप। फैक्टर्स आर डिविजिबल, जितना फैक्टर्स होगा वो सबको डिवाइड कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, मतलब कितना लैंड, लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, लेबर को डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए बोल रहे फैक्टर्स आर डिविजिबल्स। एंड प्रोड्यूसर इज यूजिंग बेस्ट टेक्निक, ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा अपना बेस्ट टेक्निक यूज़ करेगा, ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर बेस्ट, जो बेस्ट टेक्निक है उसके पास उसको यूज़ करना, प्रोडक्शन एक एग्जाम्पशन है कि हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देंगे, ठीक है सर। तो कॉब डॉगलस ये प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में ना एक बेसिक लेवल में काम किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय पॉल एच डॉगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब ऑफ द यूएसए, एंड इन दिस केस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस एंड इनपुट्स आर लेवर्स। आउटपुट क्या है सर, जो मैन्युफैक्चर करके बनाएंगे, और इनपुट में क्या देंगे, लेबर देंगे एंड कैपिटल देंगे। तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, आप लोग बस इक्वेशंस को थोड़ा याद रखो, क्यू इक्वल्स टू क्यू फॉर क्वांटिटी मतलब आउटपुट, के इंटू एल टू दी पावर ए इंटू सी होल टू दी पावर वन माइनस ए। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब बनाया था इस इक्वेशंस का। Q इज आउटपुट, L इज द लेबर, मतलब अगर कुछ भी आउटपुट आपको बिल्ड करना है उसके लिए आपको देखने में बड़ा आसान लगेगा आपको शायद कि आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है। L फॉर क्या है सर, लेबर, आपको लेबर देना है किसी भी काम करो, आपको लेबर तो देना ही है। लेबर मतलब क्या, जो मजदूर होते हैं वो लेबर, हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक्स? हाँ सर, एफर्ट, एफर्ट, लेबर मींस एफर्ट, वेरी गुड सर, लेबर मींस एफर्ट, मतलब वी ऑल आर लेबर इन इकोनॉमिक्स। नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग लेबर मतलब सोचते कि जो सर पे भारी भारी सामान लेके गाड़ी में लगाते हैं या फिर लेबर का काम करते हैं, इकोनॉमिक्स में सब लेबर है सर, वी ऑल आर लेबर,
चाहे बात सुनने में खराब लगे, लेबर का वर्ड का यूज थोड़ा अलग हो गया है डेली सोसाइटीज में, बट लेबर मीन्स एफर्ट, सबको एफर्ट देना पड़ेगा. सी द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, सी मतलब क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. के एंड ए, ये जो दोनों अमाउंट लिया गया है ना सर, दिस के जो लेबर के साथ है एंड ये ए जो लेबर के साथ है, ये दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है. पॉजिटिव कॉन्स्टेंट मीन्स सर कोई भी काम करने के लिए ना आपके अंदर पॉजिटिविटी चाहिए. अगर आप हर बात में बोलोगे ना ये नहीं हो सकता, ना ना ना, काम बनेगा कि? आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर नॉलेज है, मतलब दिमाग है, आप कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि जो भी करो बेकार है. देर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव वाइब्स. अगर आपके आसपास में अगर आप थोड़ा देखो, मतलब जैसे मैं देखता हूँ, मतलब अगर इन आवर बंगाली सोसाइटीज मैं बहुत देखता हूँ इस तरह का, हवेना हवेना तो दरा हवेना. आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलना कि ऐसा लोग आपको कितना मिलता है कि तो दरा हवेना तु पारवीना क्या नो कुछ चीज़ें सब है ना, ऐसा लोग कितना मिलता है आपके लाइफ में, जेन्युइनली बताना. नहीं मिलता है क्या सर? ऐसे तो रिलेटिव्स ही होते हैं. ऐसे रिलेटिव्स ही होते हैं सर. रिलेटिव्स हो, घर वाले हो, घर के बाहर वाले हो, पड़ोसी हो, मुझे तो बहुत दिखा है अपने लाइफ में. आई होप आप लोग भी देखते होंगे. हाँ स्नेसिस, नहीं दिखता है क्या ऐसा लोग? हेलो, क्या सबको मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर. यस सर, ओके. तुम कहाँ चला गया था रे? ओके, तो क्वालिटी ऑफ, तो बेसिकली बात समझ में आएगी नहीं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट चाहिए किसी भी काम को करवाने के लिए. तो मैथ्स इसी तरह से बिल्ड होता है, इसी तरह से इक्वेशंस भी बना जाता है. मैथ्स कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं होता है सर. दिस इज नॉट आउट ऑफ वर्ल्ड. मैथ्स के बारे में एक रिसर्च कर रहे थे. मैं एक्चुअली मैथ्स, मेरा मैथ्स बहुत खराब है, बट मैं एक रिसर्च कर रहा था कि मैथ्स क्यों बनाया गया है. मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि छोटा छोटा रीजंस, मतलब एक लेमैन की तरह समझने का कोशिश करता हूँ. अच्छा, इन दिस इक्वेशंस लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 ऑफ द कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ द कैपिटल. ठीक है, तो लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 ऑफ द कैपिटल एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ द प्रोडक्शंस. मतलब टोटल प्रोडक्शंस के लिए हमें 3/4 कैपिटल देना पड़ेगा एंड 1/4 लेबर देना पड़ेगा, कैपिटल देना पड़ेगा. द फंक्शन इज लिनियर एंड होमोजेनियस, स्ट्रेट लाइन में होता है और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट का होता है. मतलब कॉब डॉगलास का कहना है इट शोज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल. ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है, सो इट इज कॉल्ड लिनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन. वाई कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल? मतलब जिस तरह का रिटर्न आएगा ना, जिस तरह का रिटर्न आएगा वो एक कॉन्स्टेंट लेवल में आएगा. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल. और ये लीनियर होमोजीनियस इसलिए बोला जा रहा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर कैटेगरी. ओके, तो स्ट्रेट लाइन में सिमिलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन होगा सोसाइटी में या इकोनॉमी में. इसका मैं थोड़ा आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ. अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहो तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, तो आप लोग जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, आप चाहो तो इसका डिटेल्स पूरा फंक्शनलिटीज देख सकते हो. दिखाई दे रहा है सर? हाँ, अगर आप लोग थोड़ा बहुत मैथ समझना चाहते हो या मैथ समझते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर मैथ्स का नॉलेज है तो ही ज़्यादा नॉलेज लो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो. बट सर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं. In economics and econometrics, the Cobb-Douglas production function is a particular function from the production functions widely used to represent technological relationship between the amounts of two or more inputs, particularly physical capital and labor, and the amount of output that can be produced by those inputs. Basically, कितना input हम दे रहे हैं और बदले में कितना output हमें मिल रहा है. Input में हम दो ही चीज़ दे रहे हैं यहाँ पर, एक capital दे रहे हैं और दूसरा labor दे रहे हैं. ये दो basic concept है. The Cobb-Douglas form was developed and tested against statistical evidence. ये जो evidence बना था ना सर, ये statistical evidence के against में जाके बनाया था. किसने? Charles Cobb ने and Douglas ने. ये 1927 से लेके 1947 के बीच में ये थ्योरी को इन लोगों ने बनाया था. अकॉर्डिंग टू डॉगलस द फंक्शनल फॉर्म फॉर मिट्सेल वाज डेवलप्ड बाय फिलिप वीक्स टेस्ट. जरूरी नहीं है बट उनके हिसाब से इनका जो फंक्शनल फॉर्म्स है उनको बनाया था फिलिप ने. ठीक है, वीक्स टेस्ट ने. अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे देखने में होता है. अगर आप लोग ग्राफ देख पा रहे हो तो आप देखना, ये देखो सर, टू इनपुट और एक आउटपुट. ठीक है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोक्वांट. This is also called isoquant. आप लोगों को पूछता भी है isoquant. Okay, isoquant क्या है? ये देखो सर, लेबर देना है, कैपिटल देना है और आउटपुट आएगा.
तो ये देखो इस साइड में लेबर को पुट किया, इस साइड में कैपिटल को पुट किया, और इधर आपको क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा नजर डालो, 0.5 कैपिटल, 0.5 लेबर, ठीक है, सॉरी 1 लेबर 1 कैपिटल, अल्टीमेटली आउटपुट भी 1 आ सकता है। अगर 0.5 लेबर 0.5 कैपिटल तो आउटपुट भी 0.5 आएगा परसेंटेज वाइज। तो इस तरह से आइसोक्वांट को बिल्ड किया जाता है। मैं आप लोगों को आगे आइसोक्वांट ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। ये एक 3D इमेज था आइसोक्वांट का या कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस का, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बता रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वाई मतलब टोटल प्रोडक्शन, द रियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, दैट इज 365 डेज, 20.25 करके जैसे ये होता है ना सर, लीप ईयर के साथ कन्वर्ट करता है। एल मतलब लेबर इनपुट पर्सन आवर्स वर्कड इन ए ईयर, के फॉर कैपिटल इनपुट ए मेजर ऑफ ऑल मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग्स, कैपिटल मतलब मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग्स एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल इनपुट डिवाइडेड बाई द प्राइस ऑफ द कैपिटल, ए फॉर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर रेस्पेक्टिवली, दिस वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट डिटरमाइंड बाई द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो कॉन्स्टेंट, जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है सर, उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं है सर, इतना मैथ्स तो मुझे भी प्रॉपरली आपको मैं समझा नहीं सकता, मतलब बहुत मुश्किल का हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। मैं बस आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस में ही आपको मेन बातें करूंगा। क्या सर बोलो, कॉब डगलस का ओवर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सर? किसी को अगर इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना है तो ज्यादा पढ़ सकता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। ओ सर बोलो, ठीक है कि नहीं है? काजल समझ में आया रे? सर मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो टोटल प्रोडक्शंस ध्यान से सुनना, व्हाट इज टीपी? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टीपी। टीपी फॉर टोटल प्रोडक्शंस। टोटल प्रोडक्शन क्या है फटाफट जान लो। टीपी इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। जितना सारा फैक्टर्स आपके पास है सबको कंबाइन करके आपको सर्टेन टाइम पे जितना प्रोडक्शन में मिलता है, दैट इज द टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। सिंपल। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? एवरेज प्रोडक्ट और फिजिकल एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी के नाम से भी जाना जाते हैं, मे बी डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। सिंपल क्या है, एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। मतलब जितना टोटल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड कर दोगे, से फॉर एग्जाम्पल लेबर, अगर आप लेबर से टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दोगे या फिर जो भी वेरिएबल इनपुट है उससे डिवाइड करोगे, तो आपको एक्चुअली एवरेज प्रोडक्शन मिलेगा। इसका कैलकुलेशन भी सीखेंगे सर आगे आगे, बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपी। एंड देर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। बिकॉज एमपी क्या होता है, हम लोग यूटिलिटी का चैप्टर जब पढ़े थे ना सर, जो लोग यूटिलिटी पढ़ के आए हो उनको पता होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे होता है ना कि बूंद बूंद से सागर, याद है सर बूंद बूंद से सागर वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, क्या होता है बूंद बूंद से सागर? वो मुझे याद है, आयुष को मैंने कहाँ भेजा था? हाँ बोलो सर। मार्जिनल प्रोडक्शंस क्या होता है कि आप जितना क्वांटिटी ऐड करते जाते हो, मुझे याद है कि मैं आयुष को भेजा था सहारा में। आयुष फिर से जाएगा सहारा? बोल कौन सा सहारा जाएगा? हाँ चला जाएगा। अरे भाई बहुत भयंकर, एक दिन जाएगा फिर बोलेगा कभी नहीं आएंगे इधर, ठीक है। वहाँ पर तो लोग जिंदा लाश बन जाता है, मैंने इसे सुना है सर। मतलब आप रास्ते में चलते चलते कहाँ मर के गिर जाओगे क्या पता, ऐसा भी जगह है इसके अंदर, सीरियसली पूरा डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट है, बहुत भयंकर है। अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा कहीं पानी मिल जाए तो आपका किस्मत अच्छा है। जो भी हो, देख के ही लग रहा ना क्या ड्राई है सर, बहुत ज़्यादा ड्राई है, बाप रे क्या भगवान ने बनाया है, कहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन कहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई। हाँ, इंडिया को दिया मिक्स्ड अप, चाइना को भी दिया मिक्स्ड अप। हाँ सब भगवान का खेल है सर। ओके अच्छा, तो बेसिकली ये मार्जिनल प्रोडक्शंस तो आप लोग को याद है। मतलब हम लोग अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं सर, सपोज़ किसी को मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको 5 ग्लास पानी पीना है, साक्षी एक बार सुन ले,
एक दो तीन चार पांच, क्या पीना सर? पानी पी रहे हो? पांच ग्लास पानी, एकदम सिंपल बात है, ठीक है, पांच ग्लास पानी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप फाइव ग्लास ऑफ वाटर अगर आप पी ले रहे हो, तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फाइव, है ना, टोटल प्रोडक्शन फाइव। और पहला ग्लास पानी आपको बहुत जोर से प्यास लगा है, अगर आपने पहला ग्लास पानी पिया तो उस टाइम पे आपका टोटल प्रोडक्शन वन था। फिर सेकेंड ग्लास, ठीक है, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे आपका प्यास बुझाने के लिए पानी बढ़ता जा रहा है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो टोटल में फिफ्थ ग्लास में जाके आपका प्यास बुझा है, तो आपने टोटल प्रोडक्शन आपका हो गया फाइव। और ये जो वन है ना, एक एक ग्लास ऐड करके जो आपको मिला है, एक एक ग्लास ऐड करके, दिस इज एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्शन। इसलिए बोल रहे थे बूंद बूंद से सागर, सागर ऐसे नहीं बनता, बूंद बूंद से सागर बन जाता है, छोटा छोटा ड्रॉप से ही बहुत बड़ा समंदर बना है सर। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि बूंद इज कॉल्ड एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्शन। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने स्टोरी बनाता हूँ, मतलब मन ही मन में सोचता रहता हूँ। तो ये एक बेसिक था कि जितना जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे हमें मिलता जाएगा। इसका एक सबसे फेमस जो इसका तरीका है याद रखना, डेल्टा चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर्स, यही वाला याद रखना सर, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर्स। मतलब इसका एग्जाम्पल देखो तो क्लियर हो जाए, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा लेबर्स, चेंज इन लेबर्स। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है सर, टोटल प्रोडक्शन कितना है 200, ओके, जब टोटल प्रोडक्शन 200 है, लेबर कितना लगा रहे हो सर, 10 यूनिट। टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होके 250 हो गया, तब आपने कितना लेबर लगाया था, 15 यूनिट। सिंपल सोचना, 200 यूनिट बनाने में 10 लेबर लग रहा था, जब आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ के 250 हुआ, क्यों बढ़ा था, बिकॉज आपने लेबर को बढ़ाया था। तो इसका हिसाब कैसे मिलेगा, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर्स। तो आपका टोटल प्रोडक्शन पहले कितना था, आपका टोटल प्रोडक्शन पहले था 200 था, अभी 250 हुआ, तो कितने का चेंजेस है सर, 50 का चेंजेस है। आपका लेबर पहले 10 था, अभी 15 हो गया, आपका लेबर पहले 10 था, अभी 15 हो गया, तो कितने का चेंजेस है, 5 का, है ना। तो दैट इज सिंपल, मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा लेबर्स, तो 50/5, ठीक है। तो आपको चेंज हमेशा फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन देता है सर, रेडी रहना, ओके, 50/5 दैट इज 10 यूनिट्स, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन देता है, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा सकता है, पैटर्न चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेवर्स, दैट्स वाई वी गेट द 10 यूनिट्स, एंड दिस 10 यूनिट्स इज एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया ना सर, बोलो आया ना समझ में, मार्जिनल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। ऐसे तो यहाँ पर हम लोग तीनों रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एपी एमपी एंड ऑल्सो टीपी, तीनों ही जानेंगे, बट एपी एमपी टीपी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत टफ नहीं है, बट अगर आपका कंसेंट्रेशन हटा तो आपको मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कंसेंट्रेशन रखिएगा। बोथ एपी एमपी कैन बी कैलकुलेटेड बाई टीपी, पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, व्हेन एपी राइजेस देन एमपी आल्सो राइजेस, मतलब जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जैसे यहाँ पर ये जियोमेट्रिकली भी दिखाया गया है, एमपी ग्रेटर देन एपी, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्शन, एमपी इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्शन है, तो व्हेन एपी इज मैक्सिमम, मतलब जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन इक्वल भी होता है, और से एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम, याद रखिएगा दिस पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व कट करता है एवरेज प्रोडक्शन को मैक्सिमम पॉइंट पे। सर ये सब याद रखना पड़ेगा सर, थोड़ा सा याद बट मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, तो फिर अंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रहा है, वेट करो ना सर, मैं इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा ना, ऐसे ही नहीं रट के याद नहीं रख सकते, यू कांट मग अप दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि एपी एमपी कैन बी कैलकुलेटेड बाई टीपी, जो फिर भी ये याद रख सकते हो, बट व्हेन एपी राइजेस एमपी आल्सो राइजेस, बट अगर क्यों नहीं पता ना मुश्किल हो जाएगा, एपी बढ़ने से एमपी क्यों बढ़ता है, एपी मैक्सिमम जाने से एमपी और एपी इक्वल क्यों होता है, एमपी कब क्यों एवरेज प्रोडक्शन कर्व को मैक्सिमम पॉइंट में कट करता है, जब एपी गिरता है, जब व्हेन एपी फॉल्स देन एमपी क्यों फॉल होता है, ठीक है, बट एमपी कभी भी एपी से बड़ा नहीं होता,
जब एपी फॉल होता है तब एमपी भी फॉल करता है, बट एमपी लेस देन एपी रहता है उस टाइम पे। देयर मे बी सिचुएशंस, ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है जब एमपी डिक्रीज करता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन कम होना चालू हो जाए बट एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है, बट इसका अपोजिट कभी नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा बट एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन एमपी डिक्रीजेस एंड एपी इंक्रीजेस, ठीक है, बट ऑपोजिट ऐसा कभी नहीं होगा कि एपी डिक्रीज कर रहा है और एमपी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ सर, कैसे आप इतना दावे से बोल रहे हो? मैं नहीं, इकोनॉमिक्स बोल रहा है दावे से, अब इतना दावा क्यों कर रहा है ये? चलो सर, ये दावा को समझने के लिए हम लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स और इसके साथ ये ग्राफ को समझना होगा, कर्व को। हाँ, समझेंगे क्या? समझते हैं, चलो दिख रहा है ना सबको टेबल और ग्राफ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे इतना बता दो प्लीज। हाँ सर, पक्षी। ओके, ये टेबल और ग्राफ ना आपको ये जितना इतना देर से मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था आपको अभी समझा देगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सवर करना होगा। पहले मैं आपको इसको ना हम लोग तीन हिस्से से बताएंगे। क्या तीन हिस्सा सर? पहला हिस्से में हम लोग क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप में क्या क्या होता है वो देखा। सेकेंड हिस्से में हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स टेबल को बनाया गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। तो सर, रियल लाइफ में पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तीनों एंगल से सीखेंगे, पहले तो पढ़े, फिर हम लोग इसको स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, फिर उसका ग्राफ को बनाएंगे, और फिर हम लोग उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्यों ऐसा होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ? हाँ, समझना पड़ेगा सर, और याद रखना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। सर, जरूरी है कि जिंदगी भर के लिए याद रखें। देखो सर, ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आपकी मर्जी, और अगर आपको लगता है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लाइफ लॉन्ग याद रखना जरूरी चाहिए, मतलब होना चाहिए, अगर वो आपको लाइफ में कभी काम आए ऑब्वियसली। और मजा का बात क्या जानते हो, ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत काम आता है। सर, आपने बोला लेकिन समझा पूरा नहीं। सर, समझ तो समय के साथ आएगा, मेरे बोलने से थोड़ी ना आएगा, मैं थोड़ा कोशिश अभी ज़रूर करूँगा। ओके, लेबर, टीपी, एपी, एमपी, तो यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट आ गया, लेबर भी आ गया, टीपी भी आ गया, एपी भी आ गया, एमपी भी आ गया। हाँ बोलो सर। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है, दूसरे में है। टीपी यहाँ नहीं है, नेक्स्ट में है सर, ये देखो, बस नेक्स्ट पेज में जाएंगे ना आ जाएगा। मिला? टीपी को बाद में आते हैं, टीपी को थोड़ा सा दो मिनट बाद लाते हैं, बस एक बार वो एक बार एपीएमपी समझ जाएंगे, फिर बस बाद में टीपी को जोड़ देंगे, और कुछ काम नहीं है। पहले एपीएमपी को समझ जाएंगे फिर टीपी को जोड़ देंगे। ओके, तो लेबर क्या है मेरा? लेबर इज माई इनपुट, है ना, लेबर इज माई इनपुट। तो कंडीशंस को देखना, एनालिसिस को देखना। पहले आपका लेबर एक यूनिट है। अच्छा सर, इसको याद रखेंगे क्या? नहीं सर, आपको ना हार्डली दो चीज़ याद रखना पड़ सकता है। मतलब अगर आप इस पूरा टेबल में कोई भी दो चीज़ याद रखो, मैं तो बोलूँगा सर लेबर और टीपी को याद रख लो, ठीक है, बाकी तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। या फिर आप लेबर और एमपी को याद रखो तो भी आप कर सकते हो, लेबर और टीपी या लेबर और एमपी, या तो टोटल को याद रखो इनपुट के साथ, या तो मार्जिनल को याद रखो लेबर के साथ, आप पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ये देखो सर, जब आपने लेबर का इनपुट एक यूनिट दे रहे हो तब आपका टोटल प्रोडक्शन माना जा रहा है दो है, ठीक है। एक यूनिट लेबर पे आप कोई भी प्रोडक्ट दो यूनिट बना रहे हो, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनाओगे सर? कंप्यूटर बनाते हैं, इंडिया का बड़ा कमती है लैपटॉप कंप्यूटर का। हाँ, एक लेबर दो लैपटॉप बना सकता है, चलेगा क्या सर? चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? एक लेबर दो लैपटॉप बना रहा है, जब लेबर को बढ़ा के हम लोग दो कर रहा है तो पांच लैपटॉप बन रहा है, तीन कर रहे तो नौ लैपटॉप बन रहा है, चार कर रहे तो 12, पाँच कर रहे तो 14, छः कर रहे तो 15। फिर उसके बाद जैसे यूनिट बढ़ा रहे बट और लैपटॉप इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है सर। फिर 8 यूनिट कर रहे हैं बट लैपटॉप का इंक्रीमेंट और नहीं हो रहा है। फिर 9 यूनिट कर रहे हैं फिर भी लैपटॉप का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
ऐसा क्यों होता है बोले तो, कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका लेबर कितना भी दे दो लेकिन इनपुट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज एक सर्टेन कैपेसिटी अंदर आपको काम करना पड़ता है, तो आपका कैपेसिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है या फिर उसका मार्केट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ये लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, आप दूसरा कुछ भी सोच सकते हो। सर लैपटॉप से क्यों बोल रहे हैं, लैपटॉप का तो मार्केट है नहीं सर, ऐसा बहुत सारा कंपनी के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि अगर वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करता है समय के साथ, तो उस एक सर्टेन टाइम के बाद ना वो कितना भी लेबर बढ़ा दे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकता। सर नोकिया को याद कर लो, ब्लैकबेरी को याद कर लो, लेबर तो बहुत बढ़ाया था बट फिर भी वो अपना टोटल प्रोडक्शन को अपग्रेड नहीं कर पाया था। वो कोशिश तो कर रहा था लेबर बढ़ा के बट फिर भी उसका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, बिकॉज ये इकोनॉमी का नियम है सर, ये हर एक बिजनेस का नियम है। मैं आपको बोला ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं सर, ठीक है। तो अब एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल और लेबर पता है तो एवरेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 2/1 करो ना सर, टोटल प्रोडक्शन बाई लेबर ना, वेरिएबल इनपुट, टोटल प्रोडक्शन बाई वेरिएबल इनपुट, रटने का जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मग अप सर, मुकुश तो करते होबे ना। 2/1 करके क्या मिलेगा, 2, 5/2 करके 2.5, 9/3 करके 3, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है सर, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई लेबर, यही एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, ये सर नो बताइएगा ना सर, यस सर, है ना, 9/3 3, 12/4 3, 4/5 14/5 2.8, 15/6 करके देखो 2.5, 15/7 2.1, 14/8 1.7, 12/9 1.3 करके देखो मिल जाएगा। सर एमपी कैसे मिलेगा फिर, सर एमपी हम लोग इस तरह से मिलेंगे, हम लोगों को टोटल प्रोडक्शन का चेंजेस, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्शंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, सिर्फ प्रोडक्शन का चेंजेस नहीं लेबर का भी चेंजेस से डिवाइड करना पड़ेगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तो करो टोटल प्रोडक्शन में चेंज, 2 से 5 का चेंज कितने का चेंज सर, 2 से 5 का चेंज कितना अमाउंट का चेंज, 3, लेबर का चेंजेस 1 से 2 का चेंज कितने का चेंज, 1, तो 3/1 कितना हो जाएगा, 3, समझ में आया सर, पहला वाला का तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, 2 तो 2 ही रहेगा ना, पहला स्टेज तो एक वही रहेगा, जो टीपी है वही एमपी है, स्टार्टिंग में तो कंपैरिजन कुछ नहीं कर सकते, चेंज कहाँ से मिलेगा, स्टार्टिंग यूनिट में वी डोंट गेट एनी चेंज, सेकेंड यूनिट में हमें चेंज मिलेगा, वी विल गेट चेंज इन द सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट एंड ऑनवर्ड्स। सो थर्ड यूनिट में चलते हैं, 5 से 9 का चेंज कितना सर, 5 से 9 का चेंजेस कितना बोलो ना फटाफट, 4, 5 to 9 का चेंजेस 4, ये सर नो, और 2 से 3 का चेंजेस 1, तो 4/1 4, 9 से 12 का चेंज 3, 9 से 12 का चेंजेस 3, और 3 से 4 का चेंजेस 1, तो 3/1 3, सिमिलरली चलते जाओ सर, 12 से 14 का चेंजेस 2, 4 से 5 का चेंजेस 1, 2/1 2, समझ में आया, इसी कॉन्सेप्ट में 1, इसी कॉन्सेप्ट में 0 को देख लो, 15 से 15 का चेंजेस कितने का चेंजेस सर, 15 से 15 0, 6 से 7 1, 0/1 0, लेकिन माइनस कब आ गया, 15 से 14 -1, 7 से 8 1, तो -1/1 -1, 14 divided -12, 14 से 12 का चेंजेस 2 -2, 8 से 9 1, तो -2/1 -2, एमपी का कैलकुलेशन क्लियर है सर, किसी को डाउट है तो बोलो सर, कि सर हमें एमपी समझ नहीं आया, समझ आया सर एपी एमपी का कैलकुलेशन, समझ आया ना सबको, बोलो सर, साक्षी आयुष निबिड़ सभी को पूछ रहा हूँ मैं, इजी है बट फिर भी भूल जाता है, फिर भी लोग इजी चीज भी भूल जाता है, आयन क्लियर है ना, आयन हेलो, यस नो बोलो ना सर, यस सर क्लियर, ओह ठीक है, अच्छा तो 1 2 3 राजू समझ बुझते बातचीत, राजू राजू आचीज ना चले गली रे भाई, यस सर, हाँ यस, ठीक है, सिंपल मैथ्स है लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो लेबर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है,
तो हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप दो चीज याद रखोगे तो बाकी दो आप इजीली निकाल सकते हो। सर लेबर और टीपी ठीक है, आप बोल रहे थे कि एमपी से भी हो सकता है। हाँ सर हो जाएगा ना, सपोज यू डोंट नो द टीपी, आप निकाल लोगे ना एमपी से। टू से टू, पहला वाला टू है, टू के साथ थ्री ऐड करो पाँच, पाँच के साथ चार ऐड करो नाइन, क्यूमुलेटिव कर लो सर, एमपी को क्यूमुलेटिव करो आपको सब मिल जाएगा। टू से थ्री फाइव, फाइव से फोर नाइन, नाइन से थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व से टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फोर्टीन माइनस वन, हाँ सर मतलब फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन, फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व। एमपी को कैलकुलेट करने से टीपी आ रहा है क्या? एमपी को कैलकुलेट करने से टीपी आया कि नहीं आया? क्यों आता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। मार्जिनल ऐड होते ही टोटल बनता है, मार्जिन 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 ऐड होके ही टोटल बनता है हर बिजनेस का। आप कोई भी बिजनेस के बिजनेसमैन चले जाओ, चाहे सब्जी वाला हो या रिलायंस हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है सर, आज आज वन यूनिट बनाएगा मतलब एक टका प्रॉफिट करेगा, दो टका प्रॉफिट करेगा, तीन टका प्रॉफिट करेगा, चार टका प्रॉफिट करेगा, ऐसा करते करते पाँच करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है जुड़ते जुड़ते। तो मार्जिन ऐड होके ही टोटल बनता है, इसीलिए टोटल और मार्जिन पे बड़ा पुराना रिश्ता है सर, पुराना रिश्ता है। अब सर रिश्ता तो समझ गए, बट एनालिसिस क्या है थोड़ा ध्यान से देखना। ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है आपका ग्राफ, ग्राफ डायरेक्टली याद नहीं हो सकता, ग्राफ तो एनालिसिस पे डिपेंड करके होगा। ये जस्ट अ प्रेजेंटेशंस है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, बट बिफोर दैट यू नीड टू एनालाइज द स्टैटिस्टिक्स। एमपी एंड एपी बोथ इंक्रीजेस, एमपी एंड एपी बोथ इंक्रीजेस स्टार्टिंग में। देखो सर जस्ट लुक हियर, एमपी एंड एपी स्टार्टिंग में जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज का प्रोडक्शन, शुरू में ना मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज करता है। 2 से 2.5, 2 से 3, 3, 4, दोनों इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? 3, 3। अच्छा एक चीज देखो सर, स्टार्टिंग में अप टू 3 यूनिट तक एमपी और एपी दोनों इंक्रीज किया, एमपी और एपी दोनों इंक्रीज किया, किया कि नहीं किया? स्टार्टिंग में दोनों ही इंक्रीज किया अपने हिसाब से, बट एक सर्टेन लेवल पे एक चीज ध्यान देना कि एमपी का जो स्पीड है ना सर, एमपी का जो स्पीड है वो एपी से ज्यादा है। ये 2 से 2.5 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है। अरे एवरेज है थोड़ा कम तो होगा, हाँ सर एवरेज थोड़ा कम तो होगा स्टार्टिंग में, बट बाद में मुश्किल करेगा। स्टार्टिंग में एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, एपी भी इंक्रीज कर रहा है, बट एमपी इज ग्रेटर देन एपी। क्या ये चीज सबको ऑब्जर्व हुआ सर? ये आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? हेलो नहीं किया क्या? बोलो ना सर, एपी एमपी दोनों इंक्रीज कर रहा है। अब इसके साथ साथ आप एक चीज ध्यान दो सर, जब एपी एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी भी इंक्रीज करेगा। अरे सर सिंपल बात है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो टीपी क्या करेगा? हवा खाएगा? अरे ये भी इंक्रीज करेगा, ताली थोड़ी ना मारेगा बैठे बैठे, ये भी इंक्रीज करेगा। भाई भाई तुम एपी इंक्रीज करो, हम एमपी एमपी इंक्रीज कर रहे हैं, तो टीपी क्या करेगा? वो भी इंक्रीज करेगा स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। लेकिन सर जिस पॉइंट पे आके, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे आके एमपी मैक्सिमम होता है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जिस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट में क्या हो गया? एपी जब मैक्सिमम, आई एम सॉरी, जब एपी मैक्सिमम है, मार्जिनल को मैक्सिमम कर दिया, जब एपी मैक्सिमम होगा, दिस लुक एट दिस थ्री, ओके, जिस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे एमपी और एपी इक्वल होता है। सर देखो यहाँ पर ध्यान दो, लेबर का फोर्थ यूनिट पे जब आप पहुँच रहे हो ना, लेबर का फोर्थ यूनिट पे आप जब रीच कर रहे हो, तब आपका एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन सेम है, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन सेम है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली हुआ क्या है, सेम होने के कारण ये दोनों सेम है, एपी एमपी इक्वल है, लेकिन एपी अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया है। अब आप बोलोगे सर एमपी, एमपी का तो हाईएस्ट लेवल चार था, एमपी का तो हाईएस्ट लेवल फोर है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एपी का। एपी और एमपी जिस लेवल पे इक्वल होता है, और एपी जहां पर हाईएस्ट होता है वहां पर एमपी और एपी दोनों इक्वल भी हो रहा है, ये भी थ्री ये भी थ्री। ये पहला एनालिसिस है, पहला स्टेज है किसी भी प्रोडक्शन फंक्शंस का, पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है?
सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है बिजनेस पे, मार्जिनल प्रोडक्शंस एंड एवरेज प्रोडक्शंस दोनों ही डिक्रीज करेगा. लुक एट दिस पैटर्न, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3. इसका देखो 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2. दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, बोथ डिक्रीजेस. बट लुक एट द पैटर्न अगेन, मार्जिनल प्रोडक्शंस ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्शंस सॉरी एवरेज प्रोडक्शन से कम है मार्जिनल. ये 2.8 है तो ये 2 है, ये 2.5 है तो ये 1 है, ये 2.1 है तो ये 0 है, ये 1.7 है तो ये माइनस पे चला गया, ये 1.3 है तो ये माइनस 2 पे चला गया. मतलब मार्जिनल प्रोडक्शंस लेस देन एवरेज प्रोडक्शन है. बट सर टीपी क्या कर रहा है, टोटल प्रोडक्शंस वो स्टील इंक्रीज कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन स्टील इंक्रीज कर रहा है सर, अभी भी बढ़े जा रहा है बिजनेस का जो टोटल प्रोडक्शन है वो अभी भी बढ़े जा रहा है. तब तक बढ़ा जब टीपी मैक्सिमम हुआ. टीपी कब मैक्सिमम होगा याद रखना, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा. जब बिजनेस में मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा तब टोटल प्रोडक्शन हाइस्ट होगा. मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्शन हाइस्ट होगा. हर बिजनेस का कहानी है सर, हर बिजनेस का कहानी है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल पॉलिसी का भी कहानी है. मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होने से ही टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है. सर कैसे, आगे बात करूंगा, वेट. अच्छा लास्ट सिनारियो. अब देखो सर, जब एमपी माइनस पे चला गया, मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस पे, ये माइनस वन, ये माइनस टू, दिस वन इज माइनस वन एंड दिस वन इज माइनस टू. जिस टाइम पे एपी एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा है, एपी मीन्स 1.7 एंड ये 1.3, ये दोनों मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा है. लेकिन सर टीपी डिक्रीज करना चालू कर दिया, टीपी का क्या हालत हुआ, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस में जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज करेगा. अगर मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस पे जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा. सिंपल बात है ना सर. अगर मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस पे जाएगा मतलब, इसको अगर मैं थोड़ा पानी वाला कॉन्सेप्ट में बात करूँ, मतलब आप पानी पी रहे हो सर, आपको प्यास लगा है, आप पानी पी रहे हो, आपको पानी पीने में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ग्लास क्या, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, फिफ्थ ग्लास भी पी लिए, इसके बाद आप सिक्स ग्लास भी पीने का कोशिश कर रहे हो, बस क्या हो रहा है ना, वॉमिट हो रहा है सर, वॉमिट हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है. क्यों, उल्टी हो जाएगा, आप तो पीना चाहते हो पर उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाने से आपका प्रोडक्शन बर्बाद. मतलब समझे, आप चाहते हो मार्केट में और प्रोडक्ट निकाले, और लैपटॉप निकाले, और मोबाइल फोन निकाले, बट मार्केट नहीं चाहता, या फिर मशीन नहीं चाह रहा है, आपका मशीन में कैपेसिटी खराब हो रहा है, वो माइनस कर रहा है, या तो आप मार्केट में लॉस खा जाओगे या फिर आपका मशीन से अपना जवाब दे दे रहा है. समझे कि नहीं समझे, हेलो बात समझ में आ रहा है. पानी का वॉमिटिंग के साथ आप बिजनेस का लॉस को कंपेयर कर पा रहे हो क्या? ज्यादा खाने से मुश्किल होता है सर, ज्यादा खाने से मुश्किल होता है, yes, sir. है ना, कभी भी कोई अनुष्ठान वगैरह रहता है, मतलब कोई पार्टी वगैरह रहता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं. खाने से पहले इतना सोचते हैं कि आज तो इतना खाएंगे कि जिंदगी भर का खाना खा लेंगे, ऐसा फीलिंग करके खाते हैं. बट खाना खाने के बाद क्या होता है, तबीयत खराब, वॉमिट करना, और फिर 3 दिन का रेस्ट, 3 दिन का प्रोडक्शन गायब, ज़्यादा खाना भी बर्बाद कर दिया. तो कितना खाना चाहिए, जितना आप पचा सकते हो, जितना आप एक्चुअली पचा सकते हो, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हो, उतना ही खाना चाहिए. ज़्यादा खाने का कोशिश करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे. दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस सर, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस. एवरी ह्यूमन बींग नोज व्हाट इज देयर बॉडी एंड व्हाट इज देयर बॉडीज परफॉर्मेंस. आपको पता है आपका बॉडी का परफॉर्मेंस, मुझे पता है मेरा बॉडी का परफॉर्मेंस. वो बचपन से आदत हो जाता है कि क्या खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, कौन सा खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता. सर ह्यूमन बॉडी पे क्यों बात कर रहे हैं, सर बिजनेसमैन को भी पता होता है कि उसका बिजनेस का क्या दम है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो कहाँ चला जाएगा. ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आप ग्रीडी बनते हो मुश्किल में पड़ जाओगे, या फिर आपका एनालिसिस खराब है. एनालिसिस मतलब मार्केट नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो मार्केट है. डू यू गेट माई पॉइंट सर, मार्केट नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो मार्केट है, मतलब बैड एनालिसिस ना. तो आपको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बट फिर भी बिजनेस को समझ नहीं आता कभी कभी और लॉस खा जाता है. आज तक दुनिया में जो भी बिजनेस का बिजनेस गिर गया है ना सर, वो इसी प्रॉब्लम के लिए गिर गया है, या फिर जब भी बिजनेस लॉस खाता है ना, इसी प्रॉब्लम के लिए लॉस खाता है. डू यू ऑल गेट माई पॉइंट सर. प्रोडक्शन का टेक्निक, बात को नज़रअंदाज मत करना सर, कोई डाउट है तो पूछ लो. बट आई एम सीरियसली एक्सप्लेनिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक.
कि बिजनेस का लॉस खाने के साथ प्रोडक्शन फंक्शंस का बहुत बहुत बड़ा रिलेशन है। समझ में आ रहा है तो बोलना सर स्टोरी, अगर ना भी समझ में आए तो भी बोलना। हाँ सर, सर नोकिया का बिजनेस मार्केट में खराब हो गया था, लेकिन क्या नोकिया का मोबाइल फोन का कमती था क्या मार्केट में, या क्या उसका प्रोडक्शन कम होता था? हाँ बोलो सर। नोकिया का जो मोबाइल फोन है, मैं नोकिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। नॉट ओनली नोकिया, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। एक लैपटॉप कंपनीज आता था, आप लोगों ने ख्याल किया कि नहीं पता, कॉम्पैक्ट बोल के, आजकल तो मार्केट में दिखता ही नहीं है। ख्याल किया किसी ने कॉम्पैक्ट? यस सर, कॉम्पैक्ट अभी नहीं दिखता है ना मार्केट में। देखो मॉनिटर को देखा जाए, मॉनिटर पे हो जाए। हाँ मॉनिटर दिखता है, एक टाइम पे लैपटॉप पे बहुत मार्केट किया था। देखो सर कॉम्पैक्ट आजकल दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, या फिर किसी ने खरीद लिया होगा मे बी, आई डोंट नो इसका स्टोरी क्या है, बट आजकल मुझे दिखता नहीं है। मैं बस रैंडमली उठाया, एक टाइम पे बहुत मार्केट में चलता था, ठीक है। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी क्या मार्केट लीडर था एक टाइम पे। हाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल के लिए, स्पेशली कीपैड फोन वगैरह के लिए, ये डिजिटल डिजिटल कीपैड है ही है ना सर ब्लैकबेरी? एक टाइम पे क्या मार्केट बनाया था, बट उस लेवल पे मार्केट को मतलब रख नहीं पाया ये। तब ये सब एप्पल वैपल भी मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जिस टाइम पे ये सब मार्केट किया था। तो प्रॉब्लम क्या हो गया मार्केट में इनका? वही सर, प्रोडक्शन को समझ नहीं पाया, टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे रह गया, या फिर टेक्नोलॉजी। लेकिन देखो सर नोकिया टेक्नोलॉजी तो लाया ना आज के डेट में, नोकिया स्मार्टफोन में आ गया सर, बट क्या वो मार्केट इनको मिल रहा है जो मार्केट इनको चाहिए था? मतलब ये तो मार्केट लीडर था, तो मार्केट लीडर से एक कंपनी कैसे पीछे जा सकता है? एक कंपनी मार्केट लीडर से कैसे पीछे जा सकता है? आज कौन सोचता है नोकिया का स्मार्टफोन लेने के लिए? बहुत ही कम लोग सोचते होंगे, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। हाँ सर, कितना लोग नोकिया का एंड्रॉयड मोबाइल लेना पसंद करोगे आप लोगों में से बताओ ना, आप ही लोगों में से देख लेते हैं। हाँ सर नोकिया सर। हाँ देखो सर स्नैसिस बोल दिया नहीं। आयन निबिड़ आप लोगों को क्या लगता है बोलो ना, क्या नोकिया का स्मार्ट लोगे? यस और नो? नो सर, नो। किसी को नहीं लगता कि लेना है, लेना चाहिए। अच्छा तो जरूर लेंगे सर। हाँ फीचर्स अच्छा होगा तो जरूर लेगा, लेकिन लेकिन जब भी इसके साथ दूसरा कंपनी का फोन को कंपेयर करेगा फिर पीछे आ जाएगा। 15,000 में या 16,000 में तुम जब इसी कैटेगरी का दूसरा मोबाइल फोन देखोगे अब फिर पीछे आ जाओगे, बोले नहीं नहीं इससे अच्छा तो वो है। तुम सिर्फ नोकिया के बारे में सोच रहे हो तो शायद ले लोगे, ऐसा नहीं कि इसका सेल नहीं हो रहा है। मैं देखा हूँ किसी किसी के हाथ में जो थोड़ा इमोशनल होके ही ले ले रहे हैं, या नोकिया है ब्रांड है इसलिए ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब देखते कि परफॉर्मेंस नॉट लाइक रियल मी, नॉट लाइक साउमी, नॉट लाइक रेडमी, इवन नॉट लाइक ओप्पो वीवो ऑल्सो, तब वो बोल रहे नहीं नहीं इससे अच्छा तो नोकिया, इससे अच्छा तो वही सब था, या फिर सैमसंग ले लेते। जो भी हो मैं नोकिया का बैडविल गुडविल दोनों बता रहा हूँ आपको। तो एक कंपनी का बैडविल गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है उसका टेक्नोलॉजी, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, उसका कैलकुलेटिव पावर, उसका सोच, उसका इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स इंडियन इकोनॉमी के लिए भी सेम टू सेम। मैं आप लोगों को एक क्लास में दिखा रहा था कि इंडिया चाइना के साथ जिस तरह का मतलब टोटल सिचुएशंस बनाया है, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं कि इंडिया के हर जगह में सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही दिखता है। दिखाया था कि आप ही लोगों के क्लास में दिखाया था या दूसरा किसी क्लास में? आप लोगों के साथ शेयर किया था मोस्ट प्रोबेबली, नहीं किया था क्या? चाइना के साथ इंडिया का बिजनेस सिनेरियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप ही लोगों को बोला था? हाँ नहीं या हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अच्छा वेरी गुड सर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आई होप अभी क्लियर हो गया सर, कि ये मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शंस पहले इंक्रीज करेगा, और जब दोनों इंक्रीज करेगा तब टीपी भी इंक्रीज करेगा, बट जिस प्रोडक्ट टाइम पे जाके एवरेज प्रोडक्शन अपना मैक्सिमम छुएगा उस टाइम पे आपका एपी और एमपी इक्वल हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों डिक्रीज करना चालू करेगा, उस टाइम पे टीपी भी इंक्रीज करेगा, बट मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम रहेगा। फिर एक टाइम आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरते 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 जीरो पे पहुंच जाएगा, और जब ये जीरो तब टोटल प्रोडक्शन भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो ये कभी नहीं होगा, टोटल
टोटल प्रोडक्शन कहाँ आके पहुंचेगा, गिरना चालू करेगा, टोटल प्रोडक्शन भी गिरना चालू करेगा, मतलब डिक्रीज करना चालू करेगा। और जब टीपी मैक्सिमम रहता है तब एमपीएस का जीरो पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या हुआ रे, किसके बैकग्राउंड में इतना बड़ा नॉइज आया, मैं तो डर गया। हेलो, किसके घर में कोई रोया, बच्चा रोया? हेलो, किसी को आवाज मिला आप लोगों को? यस सर, हॉरर फिल्म। मैं तो बहुत से डर गया। हाँ, आप लोगों को डर नहीं लगा? मैं तो बहुत जैसे मतलब क्या चल रहा है, किसके घर में हुआ ऐसा, बोलो ना, या जानबूझ के बच्चा को आके रुला दिया? हाँ, स्क्रीन के सामने एक बार रोक के दिखा। निबिड़, साक्षी, राजू, किसने किया, या फिर कोई भूत आके किया? सर मैं बोलो, मैं डांटूंगा नहीं, बोलो बोलो किसने किया, या फिर बच्चा ऐसे आया और रो दिया, क्या हुआ? तुम लोग भी ना कमाल करते हो यार। ओफ, ठीक है चलो, मैं तो सोचने लग गया कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है चलो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं सर। ओके, एपी ग्रेटर देन एमपी। अच्छा, तो ये जब ऐसा होता है कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा होता है, दोनों डिक्रीज करते हैं, फिर धीरे 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 टोटल प्रोडक्शन से कंपनी का डिक्रीज होना चालू होता है। तो ये सिचुएशन कोई भी कंपनी ना कभी नहीं मांगेगा, कोई नहीं सोचता है, कोई सोचना भी नहीं चाहता। बट ये ना सर, बैक मतलब लैक ऑफ एनालिसिस के कारण या लैक ऑफ बिजनेस फिलोसॉफी के कारण, मतलब बिजनेस का फिलोसॉफी लॉन्ग रन पे जी नहीं जा रहा है, ऐसा केसेस में ऐसा होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, नोकिया का मैंने आपको बताया, ब्लैकबेरी का बताया, कॉम्पैक का बताया, देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारा बिजनेस ऐसा भी है जो अपने आप को 100 ईयर सर टिका के रखता है, मजाक नहीं है, मोर देन 100 ईयर्स बिजनेस करके दिखाना। हाँ, लोग 20 साल बिजनेस चलाने में पागल हो जाते हैं, आजकल तो 5 साल में लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। ओके, अच्छा सर, ग्राफ को बना लेते हैं ना इसी एनालिसिस के थ्रू से। हाँ, तो पहले क्या करेंगे, एमपी को ग्रेटर देन एपी करेंगे। हाँ, तो चलो सर बनाते हैं इसको। चलो सर, ग्राफ को ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। हाँ सर, इस साइड में क्या दिखाओगे, क्वांटिटी ऑफ लेबर, इस साइड में दिखा दो आउटपुट एमपी एंड एपी। ठीक है, क्वांटिटी लेबर एंड इधर आउटपुट एमपी एपी। तो क्वांटिटी लेबर आउटपुट एपी एमपी। ठीक है, अभी टीपी को नहीं ले रहे हैं, टीपी भी बाद में इसी साइड में आएगा, टीपी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है सर, एमपी ग्रेटर देन एपी होगा, मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व और एवरेज प्रोडक्शन कर्व दोनों ग्राफ रहेगा, बट मार्जिनल प्रोडक्शन हायर होगा एवरेज प्रोडक्शन से। ध्यान से रखिएगा बात को, मार्जिनल प्रोडक्शन हायर होगा एवरेज प्रोडक्शन से स्टार्टिंग स्टेज में। तो एक काम करते हैं सर, येलो से मैं मार्जिनल प्रोडक्शन को कर रहा हूँ, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन को ब्लू से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्लू से कर देते हैं, नीचे से लाना सर एवरेज को, और एक सर जहां पर एपी गिरा है उस टाइम पे इसको हाईएस्ट में लाना। लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता सर, और मार्जिनल प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो सकता है, है ना सर, मार्जिनल तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो सकता है एकदम, जैसे ये नेगेटिव हो गया, दिस इज ओरिजिन सिचुएशंस। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सिनारियो को बता देंगे कि क्या क्या हुआ है, किस सिचुएशंस में हुआ है। तो पहला स्टेज आपको एमपी और एपी का रिलेशनशिप में क्या बताता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एमपी, दिस इज एमपी, अच्छा मैं इसको लिखना भूल गया, एमपी ग्रेटर देन एपी। ओके, एमपी ग्रेटर देन एपी, और क्या हुआ है सर, एमपी ग्रेटर देन एपी चल रहा था, बट एक स्टेज आया जब एपी और एपी इक्वल हुआ, किस पॉइंट पे इक्वल हुआ सर, एकदम ये पॉइंट,
दिस इज द पॉइंट जिस पॉइंट में एपी इक्वल्स टू एमपी हुआ, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस इक्वल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एपी एमपी इक्वल होने के बाद जो लाइन आया उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन ऊपर चला गया और मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे आ गया। इसके बाद क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्शंस ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, आई थिंक ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शंस। और यहाँ पर और एक स्टेज हुआ है जो आप लोगों को, ये जो चेंजेस सिचुएशन हुआ है ना, ये जहाँ पर ये नीचे गिरा है और ये ऊपर उठा है, ए बी और ई पॉइंट से यहाँ पर डिनोट किया है, मतलब दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट सर, ये नीचे गिरा है और ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो एरो से, ठीक है, एरो से, मतलब इधर से ये नीचे गिर रहा है और इधर से ये ऊपर जा रहा है, इसका एक नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो ई, ठीक है, ए बी और ई पॉइंट हमको बहुत एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, आप अगर सोच पाओ तो आप देख सकते हो ए बी और ई पॉइंट, ये ए बी ई पॉइंट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट फॉर द बिजनेस, क्यों, बिकॉज इसी पॉइंट पे आके एवरेज प्रोडक्शंस गिरना चालू किया, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शंस नीचे की तरफ आया और एवरेज प्रोडक्शंस अपना हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा देर जाने के बाद दोनों इक्विलिब्रियम हुआ, दैट्स वाई ई पॉइंट, दैट्स वाई ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम, जहां पर एपी और एमपी इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और तो कुछ नहीं बताना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड आउटपुट ऑफ एमपी एमपी इस तरह से काम कर गया। डोंट वरी, इन द अबव फिगर व्हेन एमपी डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू ई एंड एपी इंक्रीजेस फ्रॉम बी टू ई, ठीक है, ए बी ई, बी से ई की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये ए से बी की तरफ डिक्रीज कर रहा है, इट्स ओके, बाद में इसके साथ और टीपी भी जोड़ा जाएगा, बट टीपी को जोड़ने से पहले, टीपी को जोड़ने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में कहना चाहता हूँ। तो सर प्लीज टेल मी, स्टैटिस्टिक्स टेबल एंड आफ्टर दैट ग्राफ, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज पूछ लिया करो, स्टैटिस्टिक्स ग्राफ एंड रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट, बोथ एपी एमपी कैन बी कैलकुलेटेड बाई टीपी, व्हेन एपी राइजेस एमपी ऑल्सो राइजेस बट मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्शन, जब एपी मैक्सिमम होता है तब एमपी और एपी इक्वल होता है, और एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, प्रूफ, एमपी कर्व, व्हिच इज द एमपी कर्व, ये देखो सर, एमपी कर्व येलो लाइन में है ना सर, येलो लाइन, येलो लाइन, दिस इज येलो लाइन, एमपी है, और जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है सर, ये हमारा एपी है, ध्यान से देखो, एमपी कर्व क्या कर रहा है, एपी को अपना मैक्सिमम पॉइंट में कट कर रहा है, ये सर नो, मार्जिनल प्रोडक्शंस एवरेज प्रोडक्शंस को हाईएस्ट पॉइंट में कट कर रहा है, इज दिस ओके सर, एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो ना, हाँ या ना, yes, sir. है ना, एपी कर्व, एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जब एवरेज प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन को अपने हाईएस्ट पॉइंट में कट करता है, ठीक है, ये नियम है इसका, ठीक है, और क्या, जब एपी फॉल करे तब एमपी भी फॉल करे, जब एपी फॉल करे तब एमपी भी फॉल करे, दोनों फॉल करता है, ठीक है, बट क्या होता है, एमपी ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है सर, सॉरी मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, एमपी लेस देन एपी हो जाता है, मतलब हमारा एपी ग्रेटर देन एमपी होता है, या फिर आप बोल सकते हो एमपी लेस देन एपी हो जाता है, ठीक है, और देयर मे बी ए सिचुएशन जब एमपी डिक्रीज करता है एपी इंक्रीज करता है, बट इसका अपोजिट कभी नहीं होगा, जैसे ये सिचुएशन, एक सिचुएशन ऐसा है एपी इंक्रीजेस, लुक एट दिस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जब एपी इंक्रीज करता है एमपी डिक्रीज करता है, बट इसका अपोजिट कभी नहीं होता है सर, बात समझ में आया, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है एक एट ए टाइम पे सेम सिचुएशंस पे और मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मार्जिनली कहीं ना कहीं जाके डिक्रीज करेगा, जैसे आप लोगों को पता है ना, बूंद बूंद से
सागर, सिंपल बात है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते करते अगर कहीं ना कहीं जाके 0.5 आ जाएगा या फिर प्रोडक्शन बैक बेकार हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो ही सकता है। अब इसको हम लोग और डिटेल्स में समझ सकते हैं, और डिटेल्स में समझ सकते हैं अगर हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शंस को दो मिनट देख ले। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बहुत ईजी है, अगर आप लोग इतना देर का कॉन्सेप्ट को समझ गए ना सर, तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट डिमिनिशिंग। प्लीज सर ध्यान से सुनो सर, सिर्फ रटना नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनो। इट इंप्लाइज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस एंड देन डिमिनिशेस इवेंचुअली। मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस एंड देन डिमिनिशेस इवेंचुअली। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए factor, and this is a short run concept. This is a short run concept. This is not a long run. This is a short run. इसका क्या क्या नाम निकला सर? Law of variable proportions, law of diminishing returns, same है. Law of return to scale, sorry, law of variable proportions, law of diminishing return, and law of return to a factor. Law of return to a factor, and also short run concept. इतना सारा नाम से economics इनको पहचानते हैं. अब क्यों? Why? क्या कहते हैं ये? थोड़ा समझने का कोशिश करोगे, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। इट्स ऑल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सोचना चाहो, समझना चाहो तो समझोगे, नहीं समझना चाहो भगवान भी आके सिखाने का कोशिश करे, सिखा नहीं सकता। ठीक है सर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, इसके बाद सब आसान है। According to the law of variable proportions, क्या बोल रहे हैं सर? As more and more unit of a variable factor. Variable factor क्या क्या हो सकता है? Combined with the same quantity of fixed factors. Total product first increases at an increasing rate and then at diminishing rate. सर आप क्या चीज़ का production factory बनाना पसंद करोगे? बोलो ना फटाफट, क्या चीज़ का business लगाओगे, factory लगाना चाहते हो? कुछ production करोगे क्या? क्या production करोगे? Maggie, noodles, आटा, क्या चाहिए बोलो ना। किसी को भी कोई बिजनेस का आइडिया है तो बोलो सर, मैं ये प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मास्क, राइस, राइस, अच्छा चलो राइस। राइस मिल, चलो राइस मिल। देखो सर ध्यान से देखो, राइस मिल में पहुंच गए, दिख रहा है राइस मिल? बोलो। यस सर। अच्छा, एक राइस मिल ऑब्वियसली छोटा इंडस्ट्री नहीं है, मीडियम साइज इंडस्ट्री होता है, ठीक है? नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री, इट्स अ मीडियम साइज इंडस्ट्री। अब एक मीडियम साइज राइस मिल में आपके लिए शॉर्ट रन क्या होगा? 2 ईयर्स मान के चलते हैं कि 2 ईयर्स इज योर शॉर्ट रन एंड मोर देन 2 ईयर्स इज योर लॉन्ग रन, ठीक है? तो शॉर्ट रन में आपको एक राइस मिल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सर? राइस मिल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर तो आपके अंदर है ना, तभी तो आप राइस मिल बनाया। सेकेंड थिंग, कैपिटल है, बना लिया, लेबर भी आपने दिया, और क्या बाकी रह गया? लैंड तो आपके पास है, जमीन लिया तभी तो आपने खरीद पाया। लेकिन सर ये जो चार फैक्टर्स है ना, ये जो चार फैक्टर्स है, ये चार फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर को फिक्स करो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर में से कोई एक फैक्टर को फिक्स करो, एटलीस्ट किसको फिक्स कर सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर कैपिटल, कैपिटल को फिक्स कर देंगे तो बिजनेस को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को अगर फिक्स कर देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूंजी तो लगता रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएबल है। सर लैंड, लेबर और तो लगभग, एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको तो आप रिस्क टेकिंग पावर तो आपके अंदर भर भर के चाहिए बार बार।
लेबर को भी शॉर्ट रन में फिक्स कर सकते हो, लॉन्ग रन में तो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स पॉसिबल, आप अगर चाहो ना तो सब ही वेरी है, लॉन्ग रन में सब वेरी करेगा, बट शॉर्ट रन में लेबर को आप फिक्स रख सकते हो कि आपने अगर सोचा स्टार्टिंग में कि मैं 5 एम्प्लॉय से काम चलाऊंगा तो चलाना पड़ेगा सर, क्योंकि कैपिटल का शॉर्टेज है, शॉर्टेज रहता है स्टार्टिंग में, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो। लैंड शॉर्ट रन में फिक्स हो जाता है बिकॉज लैंड का जो रेंट होता है ना सर, ये रेंट को आप 3 साल के लिए तो फिक्स रख सकते हो, कॉमर्शियल एग्रीमेंट 3 साल के लिए होता है, जानते हो सर, जैसे घर भाड़ा नॉर्मल घर रेसिडेंशियल घर भाड़ा 1 साल के लिए होता है, वैसे एक कमर्शियल घर भाड़ा जो होता है ना, ये 3 साल के लिए होता है स्टार्टिंग में, तो आप 3 साल के लिए रेंट को फिक्स रख सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है राइस मिल बनाने के टाइम पे, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट में ऑब्वियसली आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्शन फंक्शंस का जो 4 फैक्टर्स है, इन 4 में से एटलीस्ट 1 या 2 फैक्टर्स आपका फिक्स रहेगा, बाकी वेरिएबल कर दो। तो चलो मान के चलते हैं लैंड को फिक्स कर दिया, बाकी को वेरी करते हैं, बाकी को वेरी कर सकते हैं एज पर आवर नीड, बट सर लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं है, जो आयन ने ऑलरेडी बता दिया, लॉन्ग रन में लैंड भी आप फिक्स नहीं रख सकते, छोटा भी हो सकता है अगर बिजनेस गिर जाए तो, बड़ा भी कर सकते हो, लेबर और ज़्यादा चाहिए 5 एम्प्लॉय की आप तो 15 एम्प्लॉय चाहिए हो सकता है, कैपिटल और चाहिए, पहले अगर 10 लाख से चालू किया था ठीक है, या 1 करोड़ से चालू किया था राइस मिल है, 10 लाख से क्या बनेगा सर, पहले 1 करोड़ से चालू किया था तो अब 5 करोड़ चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप तो सर क्या बताओ सर, जितना रिस्क बढ़े जा रहा है उतना एंटरप्रेन्योर वेरिएबल ही करेगा ठीक है, तो लॉन्ग रन में ऑल आर वेरिएबल, बट इन शॉर्ट रन एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, तभी वो शॉर्ट रन कहलाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? क्लियर है ना सर, ये फैक्टर का फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट, यही यहाँ पर बोला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल कंबाइंड विद सेम क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, मतलब राइस का प्रोडक्शन पहले बढ़ाओगे एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन एट डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे कम होगा एंड फाइनली स्टार्ट डिमिनिशिंग, एंड फिर धीरे धीरे गिरने लगेगा अगर बिजनेस शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट में चल रहा है तो। इट इम्प्लाइज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस एंड देन डिमिनिशेस इवेंचुअली, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बहुत स्पीड में जाएगा एंड फिर नीचे गिरना चालू कर देगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। जब हम लोग शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट को एज्यूम करते हैं तब हमें कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, हमारा टेक्नोलॉजी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते बिकॉज अरे टेक्नोलॉजी चेंज कर लेंगे तो फिर वेरिएबल हो गया ना, तो वेरी नहीं कर सकते, अगर कोई भी चीज़ को प्रूफ करना है ना तो हम लोग हर चीज़ को वेरी नहीं कर सकते, इसलिए टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड। देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, ऑब्वियसली लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट आर कंसिडर्ड, ऑल यूनिट्स आर वेरिएबल फैक्टर्स एंड आर होमोजेनस प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हैज 3 स्टेजेस, यस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का 3 स्टेज होता है सर। अभी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया सर, स्टैटिस्टिक्स वी नो, सेम स्टैटिस्टिक्स जो हम लोगों ने 2 मिनट पहले लर्न कर लिए सर, दिस इज द सेम स्टैटिस्टिक्स, 1, 2, 3 नौ लेबर दिख रहा है सर, सेम स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग अभी पढ़ के आए, टोटल प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट का एंड एवरेज प्रोडक्ट का। अगर हम लोग इस तीनों स्टेज को देखते ठीक से तो एनालिसिस इज फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेज 1 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि दो पहला स्टेज में क्या हो रहा है, एपी एमपी एंड टीपी तीनों बढ़ रहा है, दैट्स वाई स्टेज 1 इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बिकॉज मेरा मार्जिनल प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा, मेरा एवरेज प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा एंड मेरा टोटल प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा अप टू फोर यूनिट ऑफ लेबर तक, ये खेल चलता रहता है। फिर फोर्थ यूनिट के बाद क्या होता है सर, एपी इक्वल्स टू एमपी, जब एपी मैक्सिमम होता है, एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम 3 यूनिट यहीं पर है ठीक है, और एपी इक्वल्स टू एमपी भी यहीं पर होता है और ये टोटल मैक्सिमम होता है, एपी इक्वल्स टू एमपी एंड एपी इज मैक्सिमम। स्टेज 2 दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्या हो गया देखो, एपी एमपी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल एमपी भी फॉल, दैट्स वाई डिक्रीजिंग रिटर्न, टीपी इंक्रीज कर रहा है बट इनका डिक्रीजिंग चालू हो गया है बिजनेस पे, टीपी इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे ही सही, पहले स्पीड बहुत हाई था 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, स्लो हो गया सर,
इंक्रीजिंग रेट स्लो हो गया, ध्यान से देखो टीपी का, बट इनका तो ये डिक्रीज चल ही रहा है. दिस इज डिक्रीजिंग स्टेज, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द बिजनेस. एनपी जीरो हो जाएगा, टीपी तब मैक्सिमम रहेगा. मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, टीपी तब मैक्सिमम रहेगा. दिस इज स्टेज थ्री, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. अब जैसे ही आपका नेगेटिव रिटर्न आना चालू हुआ ना, शॉर्ट रन में आपको सोचना पड़ेगा बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है, बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है, या तो फिर बिजनेस का आइडिया को चेंज कर देना चाहिए. चाहे आप नोकिया हो, रिलायंस हो, या बिरला हो, या फिर कोई छोटा मोटा राइस मिल हो, माँ दुर्गा राइस मिल, वट एवर बी द नेम ऑफ दिस राइस मिल. मतलब बिजनेस का कैटेगरी वाइज यू हैव टू थिंक ट्वाइस. नेगेटिव रिटर्न कोई बिजनेस चाहेगा सर? क्या कोई बिजनेस नेगेटिव रिटर्न डिमांड कर सकता है अपने लिए? नो सर. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको क्या सोचना चाहिए? बिजनेस बंद तो करेगा नहीं, मॉडल चेंज करेगा जरूर, कुछ तो गड़बड़ है. बंद तो नहीं करेगा, मॉडल चेंज करेगा, पैकेजिंग करेगा. सपोज पहले वो सिर्फ नॉर्मल राइस बेचता था, मतलब बोरा में डाल के, हाँ, जस्ट बस्ता में डाल के बेचता था. अभी पैकेजिंग कर रहा है लाइक लाल बाबा राइस, हाँ, या देहरादून राइस का जरा पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहा है. कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ को ठीक करना है. कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ को ठीक करना है. ठीक है, दैट इज तीन स्टेज हो गया सर. अब ये तीन स्टेज में, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, आप लोगों को ये इसका एनालिसिस देख लो सर. इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट आप लोगों ने देख लिया. एमपी क्या हो गया? इंक्रीज एंड रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट, ये भी आपने देख लिया. इंक्रीज एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एपी, ये भी आपने देख लिया. स्टेज टू, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, डिक्रीज एंड बिकम्स जीरो. आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट इट बिगिन्स टू डिक्रीज. स्टेज थ्री, बिगिन्स टू फॉल, टीपी फॉल करना चालू करेगा, बिकम्स नेगेटिव. एमपी, एमपी नेगेटिव होगा, एमपी कंटिन्यू डिमिनिश. बट सर एपी और टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव होगा तो सिर्फ एमपी ही होगा, नेगेटिव होगा तो सिर्फ एमपी ही होना चाहिए, बाकी नेगेटिव नहीं होता. अब अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए सर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स. आप फिक्स फैक्टर को डिविजिबल ज्यादा नहीं कर पाओगे. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर. इट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अप टू ए गिवन लिमिट, एटलीस्ट वन यूनिट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज फिक्स्ड. ये तो हमने पहले ही बोल दिया. डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस. द सेकंड रीजन व्हाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन द इनिशियल स्टेजेस इज दैट विद द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितना इनपुट चाहिए था हमें, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितना लेबर, जितना क्या बोले सर, लैंड लेबर चाहिए उतना देके स्पेशलाइजेशंस किया था हम लोगों ने, विथ रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी. जैसे कि नोकिया स्टार्टिंग में करके दिखाया था. इसीलिए आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट ऑन टीपी एट विच एमपी इज मैक्सिमम. जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट है उस पॉइंट पे टीपी को एक चेंजेस मिला. इन्फ्लेक्शन का आप बांग्ला में क्या बोलते जानते हो? इन बंगाली एक बहुत अच्छा टर्म हम लोग यूज करते थे बचपन में. मैं बंगाली में भी इकोनॉमिक्स कभी कभी पढ़ा था सर, स्पेशली स्कूल लेवल में मैं बंगाली में इकोनॉमिक्स पढ़ता था. तो इस टाइम पे हम लोग इसको यह पढ़ते थे, बांक बदलेर बिंदु. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बांक बदलेर बिंदु, मतलब हिंदीकरण करें ना तो जिस पॉइंट में, मतलब जिस क्या बोले सर, मतलब जिस मोड़ पे, ठीक है, जिस मोड़ पे वो बदल रहा है. ठीक है, मतलब एक मोड़ आया और वो बदल गया. ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बांक. बांक मतलब मोड़. ठीक है, एक ऐसा मोड़ जिस पे वो बदल गया, टोटल प्रोडक्शंस का ना एक अलग ही ना चेंजेस आ गया, मतलब बिजनेस पे एक नई मोड आ गया सर. ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा सेल बढ़ना चालू हो गया. तो ये कब होता है जानते हो? जब एमपी मैक्सिमम होता है, जब एमपी मैक्सिमम होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, जब एमपी मैक्सिमम होता है, मतलब अगर हम लोग ग्राफ में दिखाए ना, दिस इज द स्टेज, दिस इज द स्टेज. जब एमपी मैक्सिमम, ऐसा पॉइंट में टीपी मैक्सिमम होता है. अगर मैं आपको टीपी का यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो. चलो मैं आपको टीपी का यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसे ही जा रहा था ये, फिर एक स्टेज आया, अचानक से ना ऐसे मुड़ गया. थोड़ा गलत हुआ लग रहा है, एक स्टेज में आके ना ऐसे मुड़ गया.
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरा, इसको टेढ़ा कहाँ करना है, क्या करना है थोड़ा बाद में जाके। हाँ ठीक ही चल रहा हूँ फिर। दिस इज टीपी का हाईएस्ट पॉइंट, ये टीपी का हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो एक्चुअली एमपी का जीरो पॉइंट होना चाहिए, है ना सर? टीपी का हाईएस्ट पॉइंट एमपी का जीरो पॉइंट होना चाहिए, ये सुनो बताओ सर, इतना देर से एनालिसिस पढ़ रहे हो। टीपी जिस पॉइंट में, मतलब एक्चुअली एमपी जिस पॉइंट पे जीरो होगा, टीपी को भी उसी पॉइंट पे हाईएस्ट होना चाहिए, ये सुनो सर, बोलो। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, yes. तो जिस पॉइंट पे टीपी हाईएस्ट हुआ ना, इस पॉइंट का एक नाम है सर, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब अब आप कुछ भी कर लो, अभी आप कुछ भी कर लो, बिजनेस तो और ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता आपको, मतलब और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको लॉस में ही भुगतना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब बिजनेस में एक नया चेंजेस, अचानक से बिजनेस में ना स्पीड अप आ गया। तो हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए, शेयर मार्केट में किसी कंपनी का बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है, अचानक बिजनेस में चेंजेस आता है ना, शेयर धड़ाधड़ बढ़ना चालू होता है, बट एक स्टेज में जाके बिजनेस का जो शेयर है ना वो नीचे फिर से स्टेबल होने लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। शेयर मार्केट के साथ ये बड़ा कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स, जो समझ पाए जिंदगी बन गया, जो नहीं समझ पाए सोचते रह जाएगा। सर कोशिश करो, सर कोशिश करो, हर चीज़ का राज छुपा हुआ है आपके एडुकेशन में, आप ढूंढो तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री समझ गए ना सर? स्टेज वन मतलब एपीएमपी का ये स्टेज, फिर स्टेज टू, फिर स्टेज थ्री, ठीक है? मतलब अगर इसको मैं इस तरह से दिखाऊं, ये जो एरिया है ये स्टेज थ्री है, स्टेज थ्री है, ये एरिया स्टेज टू है, और ये जो एरिया है ये स्टेज वन है। आप लोग जान गए सर, मैं तो बस यहाँ पर दिखा दिया आपको, बहुत सारा लिख लिया इसलिए जगह नहीं मिल रहा है। मतलब जब ये एमपीएपी का मैक्सिमम पॉइंट अचीव हुआ था वही हम लोगों का फर्स्ट स्टेज था, ठीक है? मतलब जहाँ पर एपीएमपी इक्वल हुआ था, जिस पॉइंट पे एपीएमपी इक्वल हुआ था वो इन दोनों के बीच का गैप है, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री। क्लियर है सर? क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस यही तो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, शॉर्ट रन में बिजनेस ऐसा ही होता है, ठीक है? इनएडिक्वेट रिलेटिव ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वंस द पॉइंट इज रीच एट विच द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज सफिशियंट टू एंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, द फर्दर इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर विल कॉज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट टू डिक्लाइन। मतलब और ज्यादा फिक्स फैक्टर बढ़ाएंगे ना सेकेंड स्टेज में, तो और ज्यादा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाएगा। द फिक्स फैक्टर द बिकम्स इनएडिक्वेट रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब और ज्यादा फिक्स फैक्टर को बढ़ाना जरूरी नहीं होना चाहिए स्टेज टू में आके, बिजनेस को इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। एंड इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी अनदर रीजन ऑफ एफर्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बाद में सब डिमिनिश कर रहा है ना, इज द इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स फॉर वन अनदर। मतलब और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज जीरो। नेगेटिव रिटर्न कब हो रहा है, टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बहुत ज्यादा फैक्टर डाल दिए, लेबर भी बहुत ज्यादा, कैपिटल भी बहुत ज्यादा, लैंड भी बहुत ज्यादा ले लिए, बट मार्केट में सेल करने लायक हालत नहीं है, तो ऐसे हालत में आपको नेगेटिव रिटर्न ही देखना पड़ेगा। मतलब वही बोलते हैं ना सर हिंदी में, चादर उतना, मतलब पैर उतना फैलाओ जितना की चादर, बात समझते हैं कि नहीं? चादर ओतोडा ही फैलाना चाहिए जतोडा, सॉरी पैर उतना फैलाना चाहिए जितना चादर मेरा फैला हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपका चादर ज्यादा, पैर ज्यादा फैल गया चद्दर से, मुश्किल हो जाएगा। ये हिंदी का एक कहावत है, पैर उतना फैलाओ जितना की चद्दर, कहावत है कि नहीं है? आयुष काजल, हाँ यस सर। तो टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड स्टेज ऑफ ऑपरेशंस क्या है सर, द थ्री स्टेज टुगेदर कंसेक्यूटिव विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, सिंस द सेकंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो स्टेज टू विल बी स्टेज ऑफ ऑपरेशंस एंड बिकॉज ऑफ दैट इज इट्स प्रैक्टिस वी नॉर्मली रेफर टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज को स्टेज ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। यही सब तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ना, छोटा छोटा कहाँ से क्या पूछ लेगा। उस स्टेज में एक्चुअली ऑपरेशन बिजनेस में समझ में आता है। क्लियर हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो भी नाम से जानो सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार घर पे प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। स्नेहाशीष निवेश सभी को बोल रहा हूँ, एक बार गो थ्रू जरूर करना घर में। ठीक है सर, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक बार रीड करना, इजी है। मतलब कोई भी बिजनेस में लॉन्ग स्टेज में हर फैक्टर वेरिएबल हो जाता है, एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, हर तरह का फैक्टर वेरिएबल होगा। पहला स्टेज में इंक्रीजिंग, फिर कॉन्स्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। बड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब आपका इनपुट 100% दे हुए तो आउटपुट 125% आएगा। सेकेंड स्टेज में कॉन्स्टेंट में क्या होता है, लीनियर होमोजेनियस होता है। लीनियर होमोजेनियस मतलब स्ट्रेट लाइन में आएगा, इनपुट 100% आउटपुट भी 100%। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, आपका इनपुट तो 100% है बट आउटपुट 75% आता है। आप ज़्यादा इनपुट तो दे रहे हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा नहीं आएगा। तो सिंपल इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या लॉन्ग रन। दिस इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, इन द लॉन्ग रन में ये केस होता है। एक बार घर में गो थ्रू करो ना, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल्स बता दूंगा। और फिर सर ये आइसोक्वांट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलो सर मैं नेक्स्ट क्लास में आइसोक्वांट बताऊंगा और फिर कॉस्ट चालू करूंगा। आइसोक्वांट ये जो मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में, आइसोकॉस्ट एंड आइसोक्वांट, मैं उसको आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट दोनों बताऊंगा और फिर मैं आपको कॉस्टिंग में लेके जाऊंगा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस यही आज का क्लास है सर। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस सर। राजू, निवीड, आयन, बोलो प्लीज सर, एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, नहीं तो सर भूल जाओगे और कुछ नहीं। ओके सर, टाटा फिर, बाय बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय, टाटा।